जय हिंद साथियों। और अभी मैं हूँ बाराती रॉ वाटरफॉल, जो कि पर्यटक का काफ़ी आकर्षण केंद्र है। तो अभी भी यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं विजिटिंग करने के लिए, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी मानसून का पीरियड है, वर्षा काल है। तो इस समय जो है ये गेट जो है क्लोज हो गया है 30 जून 2024। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ना आएँ। और जो अब ये नेक्स्ट ओपन होगा तो ये अक्टूबर माह में ओपन होगा, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। और ये जो है जो अक्टूबर के बाद बंद हो जाता है, अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो है ये ओपन रहता है, और अप्रैल से 30 जून तक ओपन रहता है। तो 30 जून के बाद इसमें पर्यटक की जो गतिविधियाँ थी वो बंद कर दी गई हैं। कृपया करके यहाँ पर ना आएँ। और जहाँ पर भी जो फॉरेस्ट में वाटरफॉल हैं, जैसे ये बारातीरो वाटरफॉल है, आगे कॉर्बेट वाटरफॉल है, या अन्य जगह जहाँ पर जैसे आपका जो जंगल सफारी होती है, सीतावनी हो गया और अन्य जो हैं वो मानसून के दौरान जो है बंद कर दी गई हैं। और कृपया करके गाइडलाइन को फॉलो करें और यहाँ पर ना आएँ और अपना समय बचाएँ। धन्यवाद साथियों। आपने हाल ही में एक वीडियो देखी होगी जो महाराष्ट्र का था, जिसमें पूरा परिवार जो है पिकनिक मनाने के लिए एक फॉरेस्ट के उसमें गया हुआ था, जहाँ पर नाले में जो लोग सेल्फी ले रहे थे और पूरा परिवार जो है उस समय बह गया। तो सभी से मैं निवेदन करूँगा कि वर्षा काल का समय है, मानसून का समय है, और आप यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं जहाँ पर जो नदी नाले होते हैं व्यू पॉइंट, तो हो सकता है कि ऊपर बारिश हो रही हो और वहाँ पर से काफ़ी उफान पे वो नदी नाला आ रहा हो। तो कृपया करके आप जो है ऐसे स्थानों पर ना जाएं और अपनी जान जोखिम में ना डालें, और कुछ सावधानियों को जो है सावधानी बरतें। और हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले हमको एक बस जो है नदी नाले में खड़ी मिली थी, जो मेरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत था। तो बस स्वामी को बताया गया कि वहाँ पर से उसको हटा लें, क्योंकि वो नाला जो है ये बरसाती नाले होते हैं, अगर ऊपर बरसात हो रही होगी तो, और बहुत तेज़ी से जो है बरसात नाले आते हैं जिससे गाड़ियाँ बह जाती हैं। तो कृपया करके कुछ जो है सावधानी बरतें जिससे आपका नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार का जान माल का जो है नुकसान ना हो। और धन्यवाद।